सर हम गली बात में पानी करके गुजार करते हैं, हमारा आटा जो होता है, चीनी जो होती है, घी जो होती है, ये पेट्रोल वगैरह हम 10-10 रुपये दिन में खर्चा करते हैं। काम तो हमारा काम भी नहीं पूरा होता पड़ता है। अब पूरी का पेट्रोल डाल दिया है कल का, अब पेट्रोल हमारा पूरा नहीं हो रहा। सारा दिन में पानी भेज भेज कर हम बच्चे की रोजी करते हैं। बच्चे शाम का मार्च पूछते हैं, हाँ पापा जब कमा के हैं, बार बार कर देते शाम को। हम किधर हैं, हम गरीब बाद में हमारे पास 1-1 रुपया इकट्ठा करते हैं हम शाम तक। चलो सर, रात को हम सोए हैं 100-150 तक, आज सुबह होते हैं तो प्रोजेक्ट प्रसिद्ध हो गया। हमें ये समाज बात माता दत्ता से रुक नहीं हो इकट्ठा करके बच्चों की रोजी करते हैं, पानी भेज के रोजी करते हैं बच्चों की। ठीक है, हमारे हम सोए हुए थे और पेट्रोल का 150 रुपये सोया था। आज हम सुबह जब पेट्रोल डलवाने के लिए आए अपने काम पे जाने के लिए, तो पेट्रोल 180 रुपये लीटर हो चुका है। हम तो हमारी समझ से तो काम बाहर हो गया कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। हमें तो यही उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ साहब और नौशीन की जो हुकूमत आ रही है वो आवाम को रिलीफ देगी। हर हुकूमत यही नारा लगाती है कि आटा, चीनी, दाल सब कुछ सस्ता देंगे, लेकिन ये पेट्रोल महंगा होने से तो सब चीज़ें जो है ना महंगी हो गई है। लिहाजा इस हुकूमत से भी जो है ना हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम गरीब आदमी की ज़िंदगी पे इतना बोझ बढ़ गया है कि वो जो है ना 1-2 वक्त की रोटी खाने से बहुत कासर हो चुका है। और जो प्राइवेट इदारे हैं वो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो तनख्वाहें वहीं की वहीं खड़ी हैं। डे बाई डे महंगाई जो है ना बढ़ती जा रही है। Thank you.